एसवाईएल पर बयानबाजी जारी है। पंजाब सरकार के साथ हुई निर्दलीय सर्वदलीय बैठक के बाद हरियाणा सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में है। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि फैसला पंजाब की राजनीतिक पार्टियों को करना था तो कोर्ट में क्यों गए। साथ ही शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एसवाईएल को लेकर बयानों का दौर जारी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर सिरसा पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अगर फैसला पंजाब की राजनीतिक पार्टियों को करना था तो कोर्ट में क्यों गए। अगर ये फैसला उन्हें अपने आप ही करना था तो कोर्ट में जाने की जरूरत क्या थी, फिर तो अपने आप ही कह दो ये बात कि भाई हम किसी की नहीं मानेंगे, हम तो यही फैसला मानेंगे करेंगे। हमारी तरफ से ये है किसी ने जो देना दो फैसला, कोर्ट तो इसीलिए है ना जी, कोर्ट फैसला करता है और फैसला करता है तो उसको मानने के लिए सभी बाध्य हैं, तो कोर्ट का फैसला तो मानना ही पड़ेगा। ये सर्वदलीय का या किसी का ये नहीं है कि जो चाहेगा आपको फैसला, ऐसे तो कोई भी इकट्ठे होंगे लोग और वो कहेंगे साहब हम तो नहीं कोर्ट का फैसला मानते, ऐसे थोड़ी चलता देश, देश तो संविधान से चलता है, संविधान जो है वो सर्वोच्च है। वही शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा के स्कूलों में जल्द ही अध्यापकों की कमी को पूरा किया जाएगा। 2592 लेक्चरर की कमी है जिसके लिए विभाग ने भर्तियों के लिए मंजूरी दे दी है। भर्ती पिछले योजना में काफी भर्ती हुई, लगभग 50,000 टीचर की भर्ती हमने पिछली बार की है, तो काफी कमी को हमने पूरा कर लिया, लेकिन अभी भी कमी है क्योंकि पिछले लंबे टाइम से जो भर्ती प्रक्रिया थी वो नहीं हुई थी, जितनी जरूरत थी उतनी नहीं हुई थी, लेकिन अभी हमने पिछली बार भी अच्छी की और अब की बार जहाँ तक JBT की बात है वो तो हमारे पास लगभग लगभग पूरे हैं, लेकिन जहाँ PGT और दूसरी जगह कहीं कमी है, लेक्चरार कमी है, लेक्चरार के लिए भी अभी हमने 2592 का जो है मंजूरी दी है और जल्दी उस प्रक्रिया को आरम्भ करेंगे और जल्दी लेक्चरार की भर्ती भी करेंगे। शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में आया है। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि शिक्षकों की कमी के लिए भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है। सिरसा से सतनाम सिंह, टोटल न्यूज़।